हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिना कपड़ों की महिलाएं अगर स्नान करती हैं तो उसे क्या हो सकता है, उसके घर में क्या परेशानी आ सकती है, या कोई पुरुष अगर स्नान करते हैं बिना वस्त्र के तो उसे क्या हो सकता है, उसके घर में उसके नौकरी पर क्या प्रकोप पड़ सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, तो आप जरूर इसे ध्यान से सुने और अंत तक देखें। अक्सर बड़े बुजुर्ग किसी न किसी बात को लेकर हमेशा रोक टोक करते रहते हैं। उनके रोकने टोकने के पीछे कोई न कोई मान्यता ज़रूर होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में ऐसे कई सारे नियम हैं जिन्हें जानने के बाद हर व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। इन नियमों में सुबह से लेकर रात नहाने से लेकर खाने तक और सोने से संबंधित सारी बातों की जानकारियां दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसके जीवन में हर समय सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य के कल्याण के लिए नियम बनाए गए हैं। इनमें खान पान से लेकर वस्त्र धारण करने तक के नियम शामिल है। पुराणों में बताया गया है कि कई काम ऐसे भी है जिनको वस्त्र ना पहनकर उन कामों को अपमानित करने जैसा है। मनुष्य पाप का भागीदार बनता है, तभी पूजा अर्चना में बिना सिले दो ही वस्त्र धारण करने का विधान है। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ कर्मों के बारे में जिन्हें नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य को पूरी तरह नग्न होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुड बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में निवस्त्र होकर स्नान करना शुभ होता है या अशुभ होता है जानेंगे। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है, एक सरोवर में कुछ गोपियां निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों के स्नान करने के दौरान बालकृष्ण ने उन सभी गोपियों के वस्त्र छुपा दिए। बालकृष्ण के कपड़े छुपाने पर गोपियां हैरान और परेशान हो गई। ये सब देखकर गोपियां बालकृष्ण से अपना वस्त्र वापस देने के लिए आग्रह करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को इस बात का ध्यान कराया कि कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए और उनके वस्त्र वापस कर दिए। उसके बाद उन्होंने गोपियों से कहा कि ऐसा करने से जल देवता का अपमान होता है। ऐसी मान्यता है कि खुले स्थानों पर ही नहीं बल्कि बंद बाथरूम में भी किसी भी व्यक्ति को निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि निवस्त्र स्नान करने से शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निवस्त्र होकर स्नान करता है तो कहा जाता है कि उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति की मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निवस्त्र होकर स्नान करता है तो उसे पितृ दोष भी लग सकता है। ऐसी मान्यता है कि जो आपके मित्र पूर्वज है वो आपके आपस ही मौजूद होते हैं, यानी कि पास में ही मौजूद होते हैं। निवस्त्र स्नान करने से पितरों को तर्पित नहीं मिलती है, जो जातक का पितृ दोष का कारण बन सकता है। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, जो बल धन और सुख को हानि पहुंचाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ना करें ऐसा गलत काम। दोस्तों, विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य को पूरी तरह नग्न होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय कम से कम एक कपड़ा आपके शरीर पर होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने नहाते वक्त गोपियों के वस्त्र चुराकर यह संदेश देना चाहते थे कि मनुष्य को कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है।
पुराण के अनुसार कभी भी नग्न होकर सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से चंद्र देवता का अपमान होता है। साथ ही रात के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने आते हैं और उन्हें नग्न अवस्था में देखकर काफ़ी दुख होता है, वह बिना आशीर्वाद दिए चले जाते हैं। बताया जाता है कि रात में नग्न अवस्था में सोने से नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी हो जाती हैं। दोस्तों, मनुष्य को आचमन के दौरान नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए, ऐसा करना विधि के खिलाफ माना जाता है। आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है, इस प्रकार शुद्ध मन तथा हृदय से ही की गई पूजा हमें फलीभूत होती है। कोई गलत कार्य हो जाए तो उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्धि अवश्य की जानी चाहिए। कुछ लोग निवस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में इसको गलत बताया गया है। पूजा या यज्ञ के दौरान मनुष्य को दो बिना सिले हुए वस्त्र धारण करना का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिलाई सांस्कृतिक मोह माया के बंधन का प्रतीक है। भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निवस्त्र स्नान से आपके पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, यानी कि भूत प्रेत प्रवेश कर जाती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निवस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मित्र पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निवस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्त नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्त होती है। निवस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनके व्यक्ति का तेज बल धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नहाने वाला पानी पूर्वजनों के हिस्से जाता है और निवस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निवस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूढ़ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धनहानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निवस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। यदि आप अमीर धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गुरुर पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन फिर भी वो लोग गंदे कपड़े पहने रहते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, ज्ञान का संरक्षण अभ्यास है। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वो अभ्यास से ही यानी कि याद होती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत होता है, साथ ही वो उसे कभी नहीं भूलता है। नाक पर तिल या मस्सा। यदि किसी महिला की नाक के इर्द गिर्द तिल या मस्सा हो तो निस्संदेह वे एक गुड लक का रूप होती है। इनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जीभ की बनावट। जिन महिलाओं की जीभ बहुत ज़्यादा कोमल और गुलाबी होती है, उन्हें खुशहाली का प्रतीक समझा जाता है। ऐसी महिलाओं के घर में रहने से परिवार में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।